आपने पदभार ग्रहण किया है, बहुत दिन से कुर्सी खाली पड़ी थी, अभी भास्कर जी देख रहे थे। तो सर अभी आते ही आपने मतलब जो जो मशीनें जो अभी दिक्कतें दे रही हैं, सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, इससे मतलब राशन मिलने में दिक्कतें आ रही है, इसके लिए सर अपन प्रथम क्या काम करने जा रहे हैं? हम ये हमारा यही प्रयास रहेगा कि जिले में 555 दुकानें हैं, 555 POS मशीन भी है, तो हमारा एक ही काम है कि सभी मशीनें चालू रहे, ठीक, और उपभोक्ताओं को सामग्री POS मशीन के माध्यम से मिले। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है तो वो मतलब उसको जल्दी भोपाल ले जाए या यहाँ ठीक कर ले दुरुस्त। यहाँ हमारे दो इंजीनियर हैं DSK के, तो उनको बोला मैं तत्काल उनसे, या तो वो स्वयं जाए या वो यहाँ मशीन बुला ले और 3 दिन के अंदर उसको ठीक करके और वो पुनः चालू करते हैं। भोपाल की भी मशीनें हैं तो 1 सप्ताह में भोपाल से मशीन आ जाए, हम जैसे भेज रहे थे 1 सप्ताह में मशीन आ जाए, तो वो भी मतलब वितरण से काम आता है कि कंट्रोलों का जो टाइम है वो टाइम पर नहीं खुलती हैं। सिटी की कंट्रोलर सही खुलती हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और जैसे आउट ऑफ रूरल एरियो में कंट्रोलर अब तो नहीं खुलती हैं। कई बार शिकायतें भी आती हैं लेकिन क्योंकि क्या है कि कुछ वो दबंग लोग होते हैं, बगल लोग होते हैं, इस वजह से मतलब अपने कर्मचारी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं। ऐसा सर अब आपने पदभार ग्रहण किया तो आगे ऐसी प्रक्रिया आपके कंट्रोलों पर खुलने के लिए आप क्या पहला कार्य करें? शासन ने भी निर्धारित कर दिया आजकल 6 घंटे दुकान खुलेगी, ठीक, 6 घंटे के बाद यह है कि शासन ने मतलब 1 तारीख से 21 तारीख तक दुकान खुलता है, तो जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई करेंगे।